खबर जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर कोतवाली क्षेत्र की ग्राम बढ़ियोवाला से सामने आ रही है, जहां गत रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में एक 30 वर्षीय सलोनी चौधरी महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सलोनी चौधरी को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया था, जहां बीच रास्ते में ही उनका दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु काशीपुर भेज दिया। इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की मौत के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत के मामले का खुलासा हो पाएगा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महिला जिनकी शादी लगभग 12 साल पहले बढ़ियोवाला गांव में हुई थी, उनके मृत्यु की सूचना मिली। इस पे पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पे जो निकल के आया कि ये जो लड़की थी ये मुरादाबाद में रहने वाली थी और जो कि इनकी शादी यहाँ जसपुर के बढ़ियावाला गांव में आज से लगभग 12-13 साल पहले हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, एक बिटिया है 12 साल की, एक छोटा 8 साल का बेटा है इनका, और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कल खाना पीना खाने के बाद बच्चों ने जैसा बताया कि ये लोग सोए हुए थे, अचानक 12-12.5 बजे जो ये पीड़िता हैं ये उल्टी और पेट दर्द की इन्होंने शिकायत करी। उसके बाद से इनके परिजनों ने जो लोकल में डॉक्टर थे उनको बुला करके और जो भी इलाज बन सकता था उस समय वो करवाया था। बाद में फिर उनको जब नहीं रिलीफ हुआ तो लोग ले करके गए थे इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ और इस बीच में उनका शरीर पूरा हो चुका है। तो ऐसे में ये चूँकि मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में है, लिहाजा अभी हमारे द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई, पोस्टमार्टम हमारे द्वारा पैनल से कराया जा रहा है और जो भी फैक्ट आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में आएगी। रात में 12 बजे के आसपास दर्द हुआ पेट में, उस दर्द में फिर जो है ये छोटे डॉक्टर को बुलाया ना, उसने गोली उली दी, इंजेक्शन वगैरह वो दिखा भी दिया है, जो भी दिया है इंजेक्शन पता नहीं दिया है दिया, और उसके बाद में आप गाड़ी लाकर और उसको ले रहे हैं, और उसके बाद में वहाँ जाकर रास्ते में पता नहीं भाजपुर पहुँचे या नहीं पहुँचे, भाजपुर के लिए गए थे तो वहाँ उससे पूरे पता नहीं बोलना बंद कर दिया, बोलना तो यहीं से बंद कर दिया था, बोले वहाँ सांस नहीं रहेगा। अच्छा ये हुआ।